पर हम टेस्ट करते हैं, वहां अंतराल का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होना चाहिए जिसमें कि कण जो है वो असंतप्त हो जाए। तो कहीं पर भी अगर ब्रेक लग जाता है, डिस्कंटिन्यूस हो जाता है, असंतप्त हो जाता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। तो ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड और द इंटरवल आई सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आई डिपेंड ओनली फॉर ए गिवन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर कैन बी फाउंड ए नंबर डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट इन आई सच फंक्शन। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम उसमें बात करते थे केवल कंटिन्यूटी f(x) माइनस c बिंदु पर आप टेस्ट करें x माइनस c से ऐसा नहीं, वहां हमने क्या किया कि c जैसे कि इस अंतराल का कोई सा भी बिंदु हो सकता है उस बिंदु जिस पर हम चर्चा करते थे और उस पर वो कंटिन्यूअस हो जाता था अगर इसको हम फॉलो कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर बिंदु, लेकिन यूनिफॉर्म ये तो सिर्फ कंटिन्यूटी केवल कंटिन्यूटी की, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में आप क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु क्या होता है एक्स जो है होता है वो एक वेरिएबल के रूप में होता है, चर के रूप में होता है और सी आप एक पर्टिकुलर, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि दो बिंदु देते हैं जिसमें एक बार एक बिंदु तब होता है फिक्स होता है, दूसरा बिंदु चर बिंदु के होता है। हम एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति को पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में पोजीशन को चेंज करते हुए हर जगह ये पाते हैं कि इस कंडीशन को ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेटिस्फाई। कभी अक्षवन अलग जगह था, अक्षवन फिर अलग जगह, इस प्रकार से एक बिंदु को आपने स्थिर कर लिया, दूसरे बिंदु को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपने और पॉइंट आउट किया और पता चला कि इस एंड अभी जो पॉइंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वहां कोई ऐसे बिंदु की कोई गुंजाइश नहीं है जहां पर फंक्शन उस अंतराल में अनंत अनिर्धारित या अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। फलन एफ विवृत अंतराल आई पर परिभाषित हो तो फलन एफ उस अंतराल आई में एक समान संतत कहलाता है यदि उनके प्रत्येक स्विच न्यून धनराशि एप्सिलॉन के लिए ऐसी कोई संख्या डेल एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर आधारित जो आई के किसी भी बिंदु से स्वतंत्र है, अक्षर माइनस एक्स टू का पावर लेस देन एप्सिलॉन जबकि अक्षर माइनस एक्स टू का पावर लेस, जहां अक्षर एक्स टू आई के आर्बिट्री पॉइंट के रूप में आता है और इन आर्बिट्री पॉइंट को आप डेफिनेट एक्सचेंज कर सकते हो स्विच आप इच्छा से चेंज किया है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह को चेंज करके देखेंगे ऐसा कहीं नहीं पाया जाएगा उस अंतराल के बीच एफएक्स और माइनस एफएक्स टू को जगह चेंज करने पर इसका मान जो है वो गलत तरह बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो गई तो क्या होता है, डिस्कंटीन्यूअस हो जाता है, असंतत हो जाता है, इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल इसे हम यानी कंटिन्यूटी में पर्टिकुलर बिंदु से इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम उस अंतराल विशेष के प्रत्येक बिंदु पर उसका टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं कि फलन उस अंतराल में हमेशा संतत होता है कि नहीं। इसकी जो है एक जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि अगर कोई फलन आया है वो अंतराल आई में एक समान संतत तो निश्चित रूप से वह उस अंतराल आई में संतत अवश्य होगा, लेकिन यदि कोई फलन केवल संतत है किसी अंतराल में किसी बिंदु विशेष पर संतत है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये आवश्यक नहीं है कि उस पूरे अंतराल उस बिंदु एक बिंदु के संतत होने पर वह फलन पूरे अंतराल में ही संतत होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। एक समान संतत है तो संतत होगा, लेकिन संतत है तो एक समान संतत होना आवश्यक नहीं है।
लेट एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन इंटरवल आई, कोई भी अंतराल आई देता है उसके अंदर एफ एवं एक समान शब्द है, तो एक एसी स्विच राशि साइलेंट जीरो के लिए डेटा कंटिन्यूस, यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू समान लेस देन एक्स वन, जबकि एक्स वन माइनस एक्स टू समान लेस देन, लेकिन सिंस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस पहले आप ये मान करके चलो, सिंस एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन आई, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक समान संतत्ता की परिभाषा से, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये है एक समान संतत्ता, इसको आप केवल संतत्ता केवल संतत्ता लिखा है, तो यह डेफिनेशन इस अंतराल विशेष के लिए हमने मान लिया एक बिंदु को किसी को भी आप एक्स टू को जैसे सी मान लो, एक्स वन को एक्स से डेस कर दो, देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स टू इज इक्वल टू सी, देन वी से दैट एफ एक्स माइनस एक्स सी इज का वर्ड लेस देन सर माइनस एक्स माइनस सी का वर्ड लेस देन डेल्टा, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओनली व्हेन वी हैव आपने क्या किया वो जो आर्बिट्री पॉइंट थे उस आर्बिट्री पॉइंट को आपने एक्स वन एक्स टू दो आर्बिट्री पॉइंट के स्विच बिंदु उसको एक को हमने पर्टिकुलर बिंदु ले लिया उसको सी एक्स को एक वेरिएबल से दे एक्स मैंने ये संतत सी होता है संतत प्राप्त होता है किसी भी बिंदु शी बिलोंग्स टू आई पर संतत है आई के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो उस बिंदु पर संतत होना ही है इसका विलोम जो है वो सदैव शक्ति नहीं होता है इसमें एक हम जो है एग्जांपल लेकर आगे की प्रॉब्लम्स लेंगे आज के लिए बस